पठान। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक सुझाव दिया है वर्गीकरण का, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? दो बात, आरक्षण को लेकर जन स्वराज की सोच ये है कि संवैधानिक व्यवस्था जो आरक्षण को लेकर की गई है वो यथावत बनी रहनी चाहिए। क्यों? कई लोगों का यह कहना है कि संविधान में आरक्षण की व्यवस्था कुछ वर्षों के लिए की गई थी, राजनीतिक फायदे के लिए लोग इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इस बात में पूरी सच्चाई नहीं है। आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि समाज के वो वर्ग जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तौर पर पीछे छूट गए हैं उनको प्रोएक्टिव सहायता देकर आगे किया जाए। तो आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक जो वर्ग पीछे छूट गए हैं वो सामान्य वर्ग के बराबर न हो जाए शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर। इसका उदाहरण आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि सरकार गरीबी हटाने के लिए कार्यक्रम शुरू की 1980 में, गरीबी जितना चाहते थे वही उस तरीके से नहीं हटा, तो क्या गरीबी हटाओ का कार्यक्रम रोक दिया जाएगा? नहीं। उस कार्यक्रम से जितनी सफलता मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, तो गरीबी हटाने का कार्यक्रम और प्रयास तब तक जारी रहेगा जब तक कि गरीबी रहेगी। उसी तरह आरक्षण जो है वो तब तक होना चाहिए जब सामान्य वर्ग और जिन वर्गों को आरक्षण मिल रहा है उनकी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति करीब करीब बराबर ना हो जाए। दूसरा सवाल है वर्गीकरण का, तो मैंने डंके की चोट पर कहा है बिना किसी दबाव के, जन स्वराज विचार के तौर पर वर्गीकरण के पक्ष में है। जिन वर्गों को राजनीति जो आरक्षण मिल रहा है उनके अंदर अगर वर्गीकरण का कोई फॉर्मूला उन समाज के लोगों से बातचीत करके निकलता है तो उस समाज के व्यापक हित में है। ये बिहार में अभी चर्चा शुरू हुई है, देश के अन्य हिस्सों में ये लड़ाई बहुत पहले से चल रही है। आप आंध्रा में चलिए, वहां दलित समुदाय में दो महत्वपूर्ण जाति हैं, माला और मडिगा, और माला लोग ऐसा माना जाता है